हेलो गाइस, कैसे हैं आप गाइस। आपके लिए एक व्हाट्सअप की बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि आप नहीं जानते होंगे गाइस। बड़ा यूज़फुल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट्सअप सभी यूज़ करते हैं हम, बट कुछ ऐसी सेटिंग व्हाट्सअप की होती है जो हम नहीं जानते हैं, और ये बड़ा यूज़फुल है। ठीक है, तो मैं आपको यूज़फुल ट्रिक बताने वाला हूँ, जो सीक्रेट बातें हैं व्हाट्सअप की वो बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो गाइस इसके लिए आपको व्हाट्सअप ओपन करना होगा। गाइस हम व्हाट्सअप पे स्टेटस देखते हैं किसी का, ठीक है। जैसे मैंने किसी का स्टेटस देखा, इसे पूरा देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप देख लिया और ये व्हाट्सएप स्टेटस दो देख लिया हमने स्टेटस को। अगर ये स्टेटस हमें लगता है कि अच्छा लग रहा है हमें या पसंद आता है, तो हम इसे किसी से सेंड करने के लिए कहते हैं या अपने ऐप पे जाके डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या अगर हमें कोई इमेज पसंद आता है तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बट गाइस हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ना स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है आपको, ना ही किसी से अब वीडियो मांगने की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो आपके फाइल मैनेजर जो होता है फ़ोन में ऑटोमेटिक जाके सेव हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो देखा, ठीक है, स्टेटस पर जिसने लगा रखा था, तो ये ऑटोमेटिक जाके हमारे फाइल मैनेजर में जाके सेव हो जाता है। इसके लिए आपको फाइल मैनेजर पर कुछ जाके सेटिंग करनी होती है। तो सबके फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है, ठीक है, मिल जाएगा। तो आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है, ठीक है। और दिखाता हूँ स्टेटस जो मैंने देखा वो कैसे मेरे फाइल मैनेजर पर जाके ऑटोमेटिक सेव हो गया है। ठीक है, तो किसी से हमें वो मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना स्क्रीन शॉट लेने की ज़रूरत है, ना ही डाउनलोड करने की ज़रूरत है। हमारे फाइल मैनेजर में जाकर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको क्या करना है। अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है, मैंने ओपन किया और देखिए ऊपर तीन लाइन बन के आ रही है। ठीक है, उस पर क्लिक करना और सेटिंग पर जाके, फिर सेटिंग पर जाके आपको सबसे ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा है सो हिडन फाइल्स का, इसे ऑन कर देना है आपको। मेरा ऑन है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, इस पर ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद बैक जाना है आपको। जैसे बैक जाएंगे और यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज पे जाना है, जो आपका फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे जाना है, जो आपका व्हाट्सएप का फाइल है, ठीक है। तो हम व्हाट्सएप पे जाते हैं, ये देखिए व्हाट्सएप का फाइल है, इसे ओपन करते हैं। ठीक है गाइस, इसे से ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है मीडिया का, जो हमारा मीडिया का फाइल आ रहा है इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है मेरे फाइल पे, डॉट स्टेटस का आ रहा है, ठीक है। तो इसे ओपन कर लेना है और देखिए जो मैंने स्टेटस देखा था अपने व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक मेरे फाइल मैनेजर में सेव हो गया है। ये देखिए, देखिए गाइज ये सेव हो गया है। मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, हमने एक स्टेटस देखा था, तो है ना इंटरेस्टिंग गाइज। ना आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है कहीं जाके, ना ही किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है सेंड करने के लिए, ना ही स्क्रीन शॉट लेने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको इमेज भी पसंद आ जाता है तो इसे यहाँ पर जाके देख सकते हैं, आपके फाइल मैनेजर में जाके सेव हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपका स्टेटस का ट्रिक हो गया। सेकेंड आपका जो स्टेटस का ट्रिक बताने जा रहा हूँ, व्हाट्सएप खोलना है और देखिए किसी का हम स्टेटस देखते हैं, किसने स्टेटस ला रखा है, और हम उसका स्टेटस देखते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि हम स्टेटस लगाते हैं तो चेक करते हैं कि किसने देखा हमारा स्टेटस। तो अगर वो अदर पर्सन जो होगा जिसने स्टेटस लगाया होगा, उसे शो नहीं हो पाएगा कि हमने उसका स्टेटस देखा है कि नहीं देखा है। हम देख भी लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के सेटिंग पर जाना है, ठीक है। जैसे सेटिंग पर जाते हैं, आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है अकाउंट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीड रिसिप्ट का, ठीक है। ये है ऑप्शन रीड रिसिप्ट का, इसे आपको ऑन कर देना है, तो ऑटोमेटिक ऑन है, ठीक है। इसे ऑन कर देंगे तो अगर किसी का आप स्टेटस देखते हैं ना, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है कि नहीं देखा है, सो ही नहीं होगा,
उसके व्यूज़ में, ठीक है। ये सेकेंड ट्रिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूज़ कीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि यूजफुल है कि नहीं। गाइस थर्ड ट्रिक जो है, हम अपने व्हाट्सएप को डार्क मोड पे कर सकते हैं, ठीक है। नया अपडेट आया व्हाट्सएप की तरफ से, तो आपको इस डार्क मोड पे करना है, तो आपको सेटिंग पे जाना है व्हाट्सएप के, और सेकेंड ऑप्शन जो आएगा चैट का, चैट पे क्लिक करना है। सबसे दो ऊपर देखिए, टॉप पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, थैम और वॉलपेपर का, तो हमें थैम पे क्लिक करना है। तो जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, थैम पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, लाइट एंड डार्क का, तो हमें डार्क पे करना है, क्योंकि हमें अपने व्हाट्सएप को डार्क मोड पे करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मेरा व्हाट्सएप ओके कर देना है, डार्क मोड पे हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग गाइस, इससे क्या होगा, हमारा बैटरी जो है कम यूज होगा, ठीक है, बैटरी बचेगा हमारा। ये तीन ट्रिक बताई मैंने गाइज आपको, अपने व्हाट्सएप पे ट्राई कीजिएगा फ़ोन में, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये ट्रिक जो है लोगों को बताइए, अपने फ़ोन में भी यूज़ कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइज।